हेलो सेकंड क्लास, आज हम अपना जो हमने थर्ड लेसन रीड किया था पिछली वीडियो में उसकी बैक एक्सरसाइज करेंगे। तो पहला है हमारा सही उत्तर पर सही का चिन्ह लगाओ। ठीक है, तो पहला है सुहान को डैश लगी थी। लेसन में हमने पढ़ा था कि सुहान को क्या लगी थी, प्यास, भूख या नींद। तो स्कूल से आते उसे क्या लगी थी, भूख लगी थी, तो भूख पर टिक करेंगे। तो इसमें हम टिक करेंगे भूख पर। ठीक है, फिर है शाम को पापा कहाँ जाने वाले थे। लेसन में हमने पढ़ा था कि जो उसके पापा कहाँ जाने वाले थे उसे लेके, सिनेमा, सर्कस या ग्रीन पार्क। तो उसके पापा उसे लेके जाने वाले थे ग्रीन पार्क में, तो आप ग्रीन पार्क पे टिक कर देंगे। समझ में आया, पहला है भूख और दूसरा है ग्रीन पार्क। अब थर्ड है किसको बड़ी हैरानी हुई। किसको बहुत हैरानी हुई थी ये सुन के कि उसने अपना होमवर्क कम्प्लीट नहीं किया है अभी तक और वो अभी अपना काम, उसका काम करना बाकी है। तो सुहासी, पापा को या मम्मी को, तो सुहासी को हुई थी। ठीक है, ये तीनों आपके टिक द करेक्ट थे। अब है खालिस्तान भरो। आज तो डैश चैनल पर एक नई फिल्म देखने को मिलेगी। कौन सी फिल्म देखने को मिलने वाली थी उसे, कार्टून फिल्म। तो यहाँ पे आपके ऑप्शंस में दे रखा है कार्टून, तो आपका फर्स्ट में क्या आएगा, कार्टून आएगा। सेकंड है डैश जाकर सचमुच सुहान को बहुत अच्छा लगा। कहाँ जाके उसे बहुत अच्छा लगा था, ग्रीन पार्क में जाके। तो यहाँ ये आपके सेकंड में आएगा। मम्मी पापा का पार्क में थोड़ा और डैश का मन था। क्या करने का मन था उनका पार्क में, और थोड़ी देर और घूमने का मन था, तो घूमने पे आएगा। सॉरी, ये फर्स्ट है, सेकंड, थर्ड। अगले दिन डैश बदला बदला था। कौन बदला बदला था अगले दिन, सुहान। जब उसे सुहानी ने समझाया कि पहले अपना सारा काम कर ले उसके बाद खेलने कूदने का काम करे, तो उसने उसकी बात मानी और अगले दिन वो बहुत बदला बदला था, तो आएगा सुहान। तो फर्स्ट में है कार्टून, सेकंड में है ग्रीन पार्क, थर्ड में है घूमने और फोर्थ में है सुहान। अब हम करेंगे सही पे सही का चिन्ह लगाओ। सही पे सही का और गलत पे गलत का चिन्ह लगाओ। पहला है सुहान स्कूल से आया तो उसे बहुत प्यास लगी थी। सही है या गलत है, गलत है, क्योंकि उसे बहुत तेज़ भूख लगी थी। सुहान होमवर्क करने से मन चुराता था। सुहान क्या करता था, उसे होमवर्क करने का बिल्कुल मन नहीं करता था, कभी फिल्म देखना, कभी लूडो खेलना, वो यही सारे काम करता था। तो इस पर सही आएगा। सुहासी स्कूल से आते ही अपना होमवर्क पूरा कर लेती थी। सुहासी क्या करती थी, पहले स्कूल से आके अपना होमवर्क कंप्लीट करती थी, फिर खेलने जाती थी। तो इस पर सही का निशान आएगा। सुहासी रोज़ रात को दादी से कहानी सुनती थी। सही बात है, वो रोज़ अपनी दादी से रात को कहानी सुनती थी, क्योंकि वो अपना सारा काम टाइम से कर लेती थी, उसका टाइम होता था खेलने के लिए, कहानी सुनने के लिए। तो ये है टिक द करेक्ट। आपके तीन चीज़ें आप कर चुके हो, टिक द करेक्ट, खालिस्तान और सही गलत। अब हम आगे करेंगे। अब करेंगे हम एक से अनेक शब्द बनाओ। एक का मतलब क्या होता है, अकेला, और अनेक का मतलब बहुत सारा। तो पहला क्या है, बस। तो बस का क्या होगा, बसे। फिर है बेटा, बेटा का राइटिंग, ठीक है। अगला है बेटा, तो बेटा का क्या आएगा, बेटे। रात का, रातें। पौधा का, पौधे। विलोम शब्द लिखो। विलोम शब्द क्या होते हैं, उल्टे लिखने हैं आपको इसके, जैसे अपोजिट वर्ड होते हैं। अच्छा का, बुरा। सही का, गलत। शाम का, सुबह। पहला का, आखिरी। ओ, खा में मात्रा नहीं आएगी, ठीक है, आखिरी होता है, आखिरी नहीं होता। तो ये पहला का, आखिरी। परेशान का, परेशान का खुश आएगा। और ये अच्छा का, बुरा इन्होंने दोबारा दिया है, तो ये हम नहीं करेंगे क्योंकि एक बार हम कर चुके हैं, ठीक है। ये सारा काम है जो आपको अपनी कॉपी में करना है। क्वेश्चन आंसर रह गए, वो उसकी मैं फ़ोटो आपको व्हाट्सएप पे भेज दूंगी, तो उसमें से आप देख के कर लेना। और आप इसको काम की पीडीएफ बना के भेजनी है ताकि आपके अटेंडेंस लग सके। ओके, बाय।